हाँ तो बताइए आपकी गलती क्या है? गलती मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने किसी मंत्री के वहां जन्म नहीं लिया। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं हूं। और पता है जज साहब, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि मैं एक मिडिल क्लास हूं। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी को अपनी सैलरी में पूरा घर चलाना है, बच्चों की फीस, घर का राशन, बैंक का लोन, यहाँ तक कि गाड़ी का पेट्रोल, लाइट बिल, वेरा बिल। और इतना ही नहीं, उसे उसके अंदर बचत भी करनी है, क्योंकि कहीं अगर कल घर में कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये आपका कोरोना आ गया। एक दिन का कर्फ्यू, उससे सीधा 21 दिन का लॉकडाउन। धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता गया और बचत कम होती गई। एक समय ऐसा आया कि बचत खत्म, कितने धंधे बंद हो गए, लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद। कितने लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली। हाँ तो जनाब, ये तकलीफ सिर्फ आपको नहीं थी, मंत्री से लेके बॉलीवुड से लेके बड़े बड़े अंबानी जैसे बिजनेसमैन के लिए भी थी। पर फर्क किसको पड़ा? सिर्फ मिडिल क्लास को। भूखमरा किसके घर पे आया? सिर्फ मिडिल क्लास के। बर्बाद कौन हुआ? सिर्फ मिडिल क्लास। और आप ये जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये बिजनेसमैन, ये बॉलीवुड वाले और आपके ये मंत्री, इन्होंने तो इतना दबा के रखा है कि अगले 3 साल भी लॉकडाउन लग गया तो इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी 7 पीढ़ी घर पे बैठ के खाएगी। मुझे तकलीफ किसी पुलिस मैन, किसी मंत्री या फिर किसी सरकारी कर्मचारी से नहीं है। मुझे तकलीफ है इस दोगले सिस्टम से, जो आपके मंत्री के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग। आपको पता भी है लॉकडाउन से पहले मिडिल क्लास की जनसंख्या क्या थी? 9.9 करोड़, और आज 6.6 करोड़ हो गई है। गरीब लोग 5.9 करोड़ से 13.4 करोड़ हो गए। और ये वायरस है या सिस्टम का कुत्ता? जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक तो सो रहा था, जैसे ही चुनाव खत्म आ गया साला आम जनता को काटने। और फिर से नया नाटक चालू हो गया, नाइट कर्फ्यू, वो भी 9 बजे। क्यों? ये कोरोना 9 बजे आता है क्यों? सुबह जल्दी उठता, आलसी है क्या? जनता बेवकूफ नहीं है जज साहब। अरे मेरा मास्क तो सिर्फ नाक के नीचे था, फिर भी मुझे यहां तक ले आए। चुनाव के वक्त कहां थे? तब तो रैली पे रैली निकल रही थी, झुंड में लोग मिल रहे थे, मंत्री मिल रहे थे सबको बिना मास्क के। इतने वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पे, इतने ऑब्जेक्शन उठे, पर कार्यवाही घंटे की भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मंत्री है इसलिए, और मेरा मास्क सिर्फ नाक के थोड़ा नीचे हुआ तो मैं यहां हूं। क्यों? क्योंकि मैं आम जनता हूं इसलिए। ऊपर से ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, पर कैसे? क्योंकि देश बंद है पर टैक्स चालू है, स्कूल बंद है पर फीस चालू है, दुकान बंद है पर किराया चालू है, यहां तक कि नौकरी और धंधे भी बंद है पर लोन के हफ्ते तो चालू है ना। और ये जनता किसका डर है? क्यों ये अंदर अंदर बात कर रही है? सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगती? अरे जनता की वजह से सरकार है, सरकार की वजह से जनता नहीं। और अगर ऐसे ही सिस्टम जनता को बेवकूफ बनाता रहा तो आज सिर्फ मैं बोल रहा हूं, कल पूरी जनता बोलेगी। आज सिर्फ मेरी आवाज है पर कल पूरी जनता की आवाज होगी।